एक एहतजाजी मोर्चा NRC और CAA NPR के अगेंस्ट में, और जिस तरह के आज सारे हिंदुस्तान के जो हालात है, ये तो एक ना एक दिन होना ही था, क्योंकि आज हम देखेंगे सरकार के जो, हम देखेंगे कि BJP सरकार आज पूरी सत्ता में आई है, तो जो UP में मुख्यमंत्री के पद पर है वो एक खातिल बैठा हुआ है, और गृह मंत्री जो है वो कई कत्ल करके बैठा हुआ है, और प्रधानमंत्री की सीट पर एक जालिम हुकूमत बैठी हुई है। ये एक ना एक दिन ऐसा होने ही वाला था, बस हमें इंतज़ार था कि कब हम इनकलाब की आवाज़ उठाएँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, कितना इस देश को बर्बाद करोगे, कितना झूठ बोलोगे आप। आपने पहले झारखंड में खड़े रहकर कहा था कि हम जो है हम कपड़ों से पहचान लेंगे। दूसरे दिन बंगाल पुलिस के जरिए पता चला कि जो थे वो BJP के आप ही के कार्यकर्ता थे। कितना जलील हो गए आप। 22 दिसंबर को आपने रामलीला मैदान में कहा था कि NRC नहीं होगा, NRC आसाम में है, CAA हिंदू में भी नहीं है, मुस्लिम में भी नहीं है, और यही बात 9 दिसंबर को अमित शाह आपके छोटे भाई ने संसद में कहा था कि NRC लागू होगा, सारे देश में होगा। फिर बाद में अमित शाह ने ये कहा था कि CAA लागू होगा। आप दोनों छोटे मियाँ बड़े मियाँ का गेम ख़त्म करें। कितना झूठ बोलोगे, कितना बर्बाद करोगे इस देश को। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ यूअर सेल्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ यूअर सेल्फ अमित शाह, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ यूअर फॉल्स डर्टी टंग, एंड शेम ऑन यू यूअर वॉर्स पॉलिटिक्स, एंड शेम ऑन यू फॉर बींग ह्यूमिलेटेड अराउंड द वर्ल्ड। हाउ मच ह्यूमिलेटेड विल यू हैव। कितना जलील हो गया हमारी नज़रों में, सारी दुनिया की नज़रों में। हमें आज़ादी चाहिए, बस कीजिए ये ड्रामा, ये RSS, ये BJP का, और हम जो है इनकलाब ला कर रहेंगे। असल में आज की जो है हिंदुस्तान की आज़ाद तो 1947 में हुआ था, असल आज़ादी तो हम कराएंगे हिंदुस्तान में। तो सबसे पहले मैं इस शेर से करूँगी कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। मुल्क की ज़ाफरानी हुकूमत ने अपने मुल्क की ज़ाफरानी हुकूमत अपने मज़मूम इक़दाम की तकमील पर बज़िद है, लेकिन ताहम उसे हमारे आगे बिलाआख़िर झुकना ही पड़ेगा। मुल्क की मुख्तदर शख्सियतें, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला, ये पहम और मुसलसिल झूठ बोले जा रहे हैं, और ये जो बदनाम ज़माना क़ानून है इसको हमारे मुल्क में हम कोई भी जगह मिलने नहीं देंगे, कोई भी मुकाम मिलने नहीं देंगे। और ये दस्तूर मुखालिफ जो क़ानून पास किया गया है वो सीधा और सीधा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए गए दस्तूर पर हमला है। इससे ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू बरादरी के भी 500 जातों को नुकसान पहुंचेगा, वो इससे मुतासिर होंगी, पसमानदा तबकात तो इससे मुतासिर हो ही रहे हैं। और बुनियादी बात यह है कि ये दस्तूर की दफ़ा 14 और 15 के ख़िलाफ़ है और इसके ख़िलाफ़ वर्जी करता है। एक अच्छी और ख़ुशी की बात यह है कि ये जो जद्दोजहद आज़ादी की तरह इस दस्तूर के ख़िलाफ़ जो कानून मंजूर हुआ है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ मुसलमानों की ही जानिब से उठी है, जिसकी इब्तिदा हमारी मिल्ली बहनों जामिया मिल्ला इस्लामिया के तालिबात से हुई है। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि जद्दोजहद आज़ादी में उलमा ने सफ़े अव्वल के दस्तों का काम किया था, और अब इस वक्त हमारे सनफ़ नाजुक सफ़े अव्वल के दस्तों का काम कर रही हैं। और जिन पर ये शेर मुस्ताक आता है रफ़ी जालंधरी का कि मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। मुल्क की मईशियत तो सुस्त रफ्तारी का शिकार है, रोज़गार के ज़राए नहीं हैं, और हमारी हुकूमत को चुनिंदा ममालिक के अकलियतों की फ़िक्र पड़ी हुई है। यह वक्त NRC CAA का नहीं है बल्कि रजिस्टर ऑफ नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट का वक्त है। बस मैं इतना ही कहूँगी कि दीप जिसका मोहल्लात में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बे नूर को मैं नहीं मानती, मैं नहीं जानती।